करवा चौथ के अवसर पर महानगर में पूजा की सामग्री की दुकानों पर सुहागन महिलाओं ने पूजा की सामग्री की खरीदारी की, लेकिन कोरोना को देखते हुए दुकानदारी फीकी रही, जिसके संबंध में दुकानदार दीपक जायसवाल ने बताया कि कोरोना की वजह से सभी त्योहारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसका असर दुकानदारी पर भी दिख रहा है। उन्होंने बताया कोरोना की वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष सामानों की बिक्री नहीं हो पा रही है। दुकानदार ने बताया कि पिछले साल करवा चौथ पर पूजा के सामानों की बिक्री करके अच्छी खासी कमाई हुई थी, लेकिन इस साल पूजा सामानों की बिक्री 50% भी नहीं हो पाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकानदार दीपक जायसवाल गोविंद जायसवाल ने कहा, करवा चौथ है, हर साल लोग महिलाएं एक दिन पहले खरीदारी करती है, इस समय क्या स्थिति है? इस समय कोरोना के चलते पूरा साल जो त्यौहार से मतलब बिजनेस नहीं हो रहा त्यौहार में, मतलब और त्यौहार में खरीदारी महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। हर साल काफ़ी महिलाएं निकलती थी जो खरीदारी करती थी, इस समय ये कोरोना बीमारी के चलते कोई महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं खरीदारी के लिए, और इस साल जो अपना त्यौहार भी लोग नहीं धूमधाम से कर रहे हैं। क्या लग रहा है शाम तक कुछ हो जाएगी? अब शाम को देखा जाएगा आसरा क्या है, लेकिन दुकानदारी इस समय है नहीं, इससे माना जा रहा है कि त्यौहार में कोई हर्षोल्लास नहीं होगा। हर साल के इस साल में 75% का अंतर आया हुआ। गोविंद जायसवाल, समय का जो हाल है बहुत बुरा है। पहले क्या होता था, एनी टाइम हम लोग के पास टाइम नहीं होता था काम करने के लिए, इतने हम लोग के पास कस्टमर होते थे, मगर आज वो स्थिति है कि बहुत बेकार स्थिति है, जिसके साल हम लोग बहुत हर साल की तरह जो होता था बहुत ही खराब स्थिति है। कोरोना व्यापार के प्रभाव पड़ा बहुत ज़्यादा, उसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है शाम तक बिक्री हो जाएगी? उम्मीदें हैं, बस उसी पे होगा, बाकी सब ईश्वर की मर्जी।